देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों को फर्रुख मुगल का प्यार भरा सलाम। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलें। अभी की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम आपसे बात करेंगे बहुत ज़बरदस्त किस्म की, जो कि आजकल हर किसी की ज़रूरत बन चुकी है, वो बात कि टिकटॉक की वीडियोज़ के अंदर व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे। तो इस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे आपसे और मुख्तसरन बात करेंगे और मेन पॉइंट की खास खास बात करेंगे। लोगों के लाइक नहीं आते थे, कमेंट्स नहीं आते थे, वो एक अलग मसला था जो कि आप कह लें अभी भी है और रहेगा। वो उसकी उस हवाले से हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें बात करेंगे कि आपकी वीडियोस के अंदर लाइक एंड कमेंट्स क्यों नहीं आते। लेकिन अभी जो हम इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं कि व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे, तकरीबन 1.5-2 महीने से लोग काफ़ी परेशान हैं इस चीज़ को लेके कि उनकी वीडियोज़ के ऊपर व्यूज़ नहीं आ रहे, तो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो मैं इसका आपको रीज़न बता देता हूँ। इसका रीज़न ये कि व्यूज़ इसलिए नहीं आ रहे कि टिकटॉक अब काफ़ी ज़्यादा अकलमंद और समझदार हो गया, जैसे कि आप कह लें यूट्यूब। यूट्यूब के अंदर होता है कि जो फेमस और वायरल किस्म की वीडियोज़ होती हैं, जो कि आप कह लें बहुत ज़बरदस्त किस्म के क्रिएटर की होती हैं, तो वही ट्रेंडिंग में जाती है, वही फेमस होती है। जैसे मैं आप पाकिस्तानी आपको इंटरटेनिंग जो इंटरटेनिंग किस्म की वीडियोस बनाते हैं उनके हवाले से बताता हूँ। यूट्यूब के अंदर ऐसे गिनती के कुछ चैनल हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जैसे आप कह लें खुजली फैमिली ले लें, दी इडियट्स कह लें, बेकार फिल्म्स ले लें, इस तरह के जो कुछ गिनती के चैनल हैं पाकिस्तानी चैनल यूट्यूब पर। तो इनको जो है इनकी वीडियो ही ट्रेंडिंग में आती है और इन्हीं की वीडियो वायरल होती है, इन्हीं की वीडियो फेमस होती है। तो यानी कि यूट्यूब काफ़ी समझदार है, जो भी इनकी नई वीडियो आती है आपको कह लें आपको ट्रेंडिंग में मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, खुजली फैमिली या और आप कह लें दी इडियट, और ये मैंने जो गिनती है कुछ नाम लिए पाकिस्तानी फेमस क्रिएटर के नाम लिए, तो इनकी वीडियोस आपको यूट्यूब के ट्रेंडिंग के अंदर ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा आप सोचिए हज़ारों लाखों लोग पाकिस्तान के अंदर वीडियोस बना रहे हैं, एक से एक अच्छी वीडियो बना रहे हैं, रोस्टिंग की बना रहे हैं, फ़नी वीडियो बना रहे हैं, हर तरह की वीडियो बना रहे हैं, लेकिन उनकी वीडियो ट्रेंडिंग में कभी नहीं आती और ना ही आएगी। बहुत ज़्यादा उनको मेहनत करनी पड़ती है। जो शुरू में आ गए, फेमस हो गए, वायरल हो गए, यूट्यूब वालों को पता चल गया कि किस किस की वीडियोस डालनी है, तो उन्हीं की वीडियो वो डालते हैं और जैसे ही वीडियो रिलीज़ होती है ट्रेंडिंग में आ जाती है। बाकी जो लोग नए आ रहे हैं और जो काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे हैं उनका क्या? तो यही हिसाब यहाँ पर टिकटॉक वालों ने भी अब यही कहानी कर दी है। कहानी उन्होंने ये कर दी है कुछ इस तरह की कि अगर आप जैसे कि अपना टिकटॉक का फॉर यू पेज खोलते हैं, फॉलोइंग की बात नहीं कर रहा मैं, फॉर यू पेज की बात कर रहा हूँ, जब आप उस पेज को खोलते हैं तो आप देखते हैं कि उसके अंदर जो है वीडियोस वगैरह जो शो हो रही होती हैं वो ज़्यादातर वीडियोस आप कह लें बहुत ज़्यादा वायरल फेमस और ट्रेंडिंग वाली वीडियोस वगैरह हो रही होती हैं, जो कि आप उन पर व्यूज़ देख लें 1000 होते हैं, 1K 25K 30K, इतने इतने ज़्यादा व्यूज़ होते हैं, तो वो वीडियो वो आपको दिखा रहे हैं फॉर यू पेज के अंदर। नॉर्मल जो वीडियोज़ होती हैं, जो नॉर्मल टिकटॉक कर बना रहे हैं या फिर जो कह लें आप ज़्यादा फेमस नहीं, तो उनकी वीडियोज़ दिखाई नहीं जा रही फॉर यू पेज के अंदर, तो लाइक तो कमेंट्स की बात तो दूर, व्यूज़ कैसे आएंगे? तो मेन रीज़न यही है कि यूट्यूब की तरह और बाकी दूसरों की तरह टिकटॉक वाले भी जो हैं बहुत अकलमंद समझदार होगा, ये उन्हीं क्रिएटर जो कि आप कह रहे हैं टिकटॉक के, उन्हीं की फेमस वालों की वीडियोस दिखाते हैं ताकि लोग देखें और ज़्यादा वो फेमस हो, जो पुराने बंदे हैं वही ज़्यादा उनको जो फेमस हो चुके हैं, वायरल हो चुके हैं, उन्हीं की वीडियो बार बार दिखाई जा रही है। अगर आपको मेरा यकीन नहीं तो आप अपना फॉर यू पेज खोल कर देख लें टिकटॉक का, आपको जो भी वीडियोस आप ऊपर कर देखेंगे इतने इतने व्यूज़ होंगे, इतनी इतनी वायरल वाली वीडियोस होंगी, वो नॉर्मल वीडियोस नहीं होंगी। हाँ, इक्का दुक्का उसके अंदर आ सकती हैं, वो भी उनकी आ सकती हैं जिनकी वीडियोस पे आप लाइक एंड कमेंट्स करते हैं, तो रैंडमली रिकमेंडेड के तौर पर वो उसमें इक्का दुक्का आ सकती है, लेकिन ये बात में 100% सच्चाई है। आप खुद चेक कर लें, अगर आपको यकीन नहीं तो वो वीडियोज़ जो दिखाई जा रही हैं वो सिर्फ फेमस लोगों की दिखाई जा रही हैं, नॉर्मल बंदों की वीडियोज़ नहीं दिखाई जा रही, तो उनकी वीडियोज़ पर व्यूज़ आएंगे कैसे, उनकी वीडियोस फेमस कैसे होगी, वायरल कैसे होगी? तो उसका तरीका ये है कि जो आपने जिनको फॉलो किया हुआ है तो उनकी जो वो आपको लाइक एंड कमेंट्स व्यू दे सकते हैं, तो उनसे चांसेस हैं कि वो जो आपके फॉलोअर हैं वो आपकी वीडियो को फेमस करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, व्यू करें, तो आपकी वीडियो फॉर यू पेज के अंदर आएगी, तो उसके ऊपर व्यू आएंगे। ये कहानी की है टिकटॉक वालों ने, जैसे कि यूट्यूब की मैंने आपको बताई, इसी तरह टिकटॉक पर भी ये कर दिया और तकरीबन 1.5-2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं इस चीज़ को करे हुए कि नए बंदों की बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे और उम्मीद है कि आगे दिखाई भी नहीं जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर टिकटॉक दिन ब दिन फेमस होते जा रही है, वायरल होते जा रही है, हर बंदा टिकटॉक की वीडियोज़ वगैरह बना रहे थे, टिकटॉक वाले भी चाह रहे हैं कि काम अच्छा हो, फेमस हो, वायरल वाला हो, ट्रेंडिंग वाला हो, तो वही लोगों को दिखाया जाए, वही शोकेस किया जाए ताकि और ज़्यादा व्यूज़ आएँ, और ज़्यादा लोग देखें, और ज़्यादा टिकटॉक फेमस और वायरल हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो फॉर यू पेज के अंदर आए, उस पर व्यूज़ आएँ, तो आप बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाएँ
और आप जो आपके फॉलोअर हैं उनसे कहें लाइक एंड कमेंट्स करें, और ताकि जितनी ज़्यादा वो लाइक एंड कमेंट्स करेंगे व्यूज़ लगेगी तो उससे वीडियो फैलेगी आपकी, फिर आपकी वीडियो फॉर यू पेज के अंदर आएगी तो उसको बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, वरना व्यूज़ नहीं आ सकते। बिल्कुल मैंने सिंपल तरीके से एक चीज़ को आपको बेहतरीन तरीके से वाजे किया, बेतहाशा लोग इस चीज़ को लेकर परेशान हैं, तो उम्मीद है कि उनको समझ में आ गई होगी बात। मैंने तफसील से एक एक चीज़ को और मुख्तसर ख़ास खास मेन पॉइंट के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश की है, ताकि आप इसको बासानी समझ सकें और इस पर जो है गौर कर सकें कि अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अब आप भी हमें अपनी राय साझा कर सकते हैं कि आपकी क्या राय है, और आप हमारी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें, कमेंट करना मत भूलें, शेयर करना मत भूलें। हमारी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फी अमान अल्लाह।